आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is, a solution of urea is 10% weight by volume. The volume of solution in which 1 mole of urea is present. हमें यहाँ पर गिवन है एक 10% weight by volume of solution of urea. हमें बताना है ये जो 10% weight by volume of solution है urea का, उसके अंदर कितने volume of solution में 1 mole of urea present होगा. यहाँ पर हमें गिवन है weight by volume, weight by volume percent. वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये बताता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हमें यहाँ पर 10% वेट बाय वॉल्यूम गिवन है, 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर हमारा सॉल्यूट है यूरिया। यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर मिल गया है कि जो 10 ग्राम यूरिया है वो प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। हमें मिल गया कि 10 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, बट हमें क्या बताना है कि 1 मोल ऑफ यूरिया कितने वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर हमें मास मिल गया है, हमें मिल गया है मास ऑफ यूरिया मिल गया है 10 ग्राम। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिटरमाइन कर लेंगे हम, दैट इज मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया। हमारे पास मास ऑफ यूरिया है, मास ऑफ यूरिया इज 10 ग्राम एंड मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया इज गिवन 60। यहाँ पर हमें गिवन है 60 एंड यूनिट होती है ग्राम पर मोल। यहाँ पर ग्राम से ग्राम यूनिट कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 1/6 मोल। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आ गए हैं 1/6। तो हमें क्या मिल गया कि जो 10 ग्राम हमें यहाँ पर मिला है कि 10 ग्राम अकॉर्डिंग टू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट हमें मिल गया 10 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। 10 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन हमें ये मिल गया है। अब इससे यूज करके हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर मैथमेटिकली लिखेंगे कि 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन एंड 10 ग्राम यूरिया कितने मोल्स के इक्विवेलेंट है। 10 ग्राम यूरिया हमने यहाँ पर देखा कि 1/6 मोल्स के इक्विवेलेंट है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/6 मोल यूरिया प्रेजेंट होगा इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए हमने क्या किया, हमने लिया मास को और कन्वर्ट कर दिया मोल्स में। तो यहाँ पर आ गया है हमारे पास कि 1/6 मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट होगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, बट हमें बताना है 1 मोल के लिए। तो अगर हमें 1 मोल ऑफ यूरिया के लिए बताना है तो हम क्या करेंगे, 6 को ऊपर भेज देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 × 100 ml ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू 600 ml ऑफ सॉल्यूशन। देयरफॉर 1 मोल ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 600 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमारा आंसर है यहाँ पर 600 ml। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इज 600 ml। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।